आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिशन एक ऑर्डिनरी सीमेंट का क्या होता है। सो पहले मुझे ये जो एट कॉम्पोजिशंस हैं इसके मेन कॉम्पोजिशंस उसके बारे में बताएं क्या क्या होता है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्युमिना। आप मुझे बताएंगे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एटसेट्रा का परसेंटेज क्या होता है एक ऑर्डिनरी सीमेंट में। लाइम का 62%, सिलिका का 22%, एल्यूमिना का 5%, कैल्शियम सल्फेट का 4%, आयरन ऑक्साइड का 3%, मैग्नीशिया का 2%, सल्फर का 1%, एल्युमिना का 1%। अब आप मुझे बताओगे कि इन कंस्टिट्यूएंट्स का ये जो कंपोजिशन है जिसमें कि लाइम, सिलिका, एल्युमिना एटसेट्रा है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये क्या करता है सीमेंट के अंदर? लाइम हाई बंप, क्रैक एंड एक्सपेंशन करता है, करता है, और लो अमाउंट स्ट्रेंथ, लो एंड क्विक सेटिंग। ठीक है, तो अगर लाइम की क्वांटिटी या अमाउंट ज्यादा हो तो सीमेंट जब उसको हम आरसीसी या पीसीसी बना रहे होंगे तो क्रैक करेगा। एक चीज होती है सीमेंट के अंदर में, सीमेंट से बनी हुई चीजों के अंदर में, एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज और श्रिंकिंग। ये टेम्परेचर के वेरिएशन से सालों भर हमारे जो पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में जहां पे चार सीजन्स हैं, पर्टिकुलरली मेन टू सीजन्स हैं, विंटर एंड समर, तो विंटर एंड समर में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बिल्डिंग्स या सीमेंट से बने हुए स्ट्रक्चर एक्सपैंड करते हैं, श्रिंक करते हैं। सो एक्सपेंशन या क्रैक होना अच्छी चीज नहीं है, इसलिए लाइम का हाई अमाउंट इज नॉट अ गुड आइडिया। लो अमाउंट से क्या होता है कि लाइम का अगर अमाउंट हम कम कर दें 62% से 55% कर दें तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ भी लो हो जाएगी लेकिन सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। सो स्ट्रेंथ अगर को कंपेयर करें सेटिंग से तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेटिंग टाइम फास्ट होती है तो उस केस में स्ट्रेंथ लो हो जाती है। नाउ यू विल बी टॉकिंग अबाउट सिलिका एंड इट्स फंक्शन। सिलिका का फंक्शन क्या है? सिलिका का फंक्शन है गिव्स स्ट्रेंथ एंड फॉर्म्स दिस कैल्शियम एंड ट्री कैल्शियम सिलिकेट्स एंड इफ हाई क्वांटिटी स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग बट डिले सेटिंग टाइम। यस, सिलिका के परसेंटेज को जैसे 22% है, अगर इसको हम हाई कर दें क्वांटिटी वाइज तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी लेकिन सेटिंग टाइम डिले हो जाएगी। जैसा कि अभी बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी टॉकिंग अबाउट एल्यूमिना। जब आपके पास में एल्यूमिना है जैसे 5% तो ये डाला जाता है क्विक सेटिंग के लिए। सेटिंग बहुत फास्ट होना, बहुत क्विक होना ठीक नहीं है लेकिन ऑर्डिनरीली नॉर्मल टाइम लेकर अगर सेट हो रहा है तो दैट्स अ गुड आइडिया। सो एल्यूमिना डालने का मकसद ही ये होता है कि कभी कभी जैसे कि विंटर के केस में हम चाहेंगे कि चीजें ना जल्दी सेट हो, ठीक है, तो वहां पे एल्यूमिना का काम अच्छा है। अगर एल्यूमिना बढ़ा दिया जाए तो ये क्या करेगा, सीमेंट को वीक कर देगा। नेक्स्ट यू विल बी टॉकिंग अबाउट कैल्शियम सल्फेट। इनिशियल सेटिंग टाइम मींस आपको क्या लगता है इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है? इनिशियल मतलब कि जब आप सीमेंट में पानी जैसे ही ऐड करेंगे तो वो जो शुरू का कुछ मिनट्स एंड घंटे का जो टाइम होता है वो इनिशियल टाइम कहलाएगा। तो कुछ घंटे में जो सीमेंट सेटिंग होनी शुरू होती है उसको ये क्या करता है,
इंक्रीज कर देता है. क्या इंक्रीज कर देता है? सेटिंग टाइम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन ऑक्साइड के बारे में. आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. वेरी गुड. तो आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा. ऑक्साइड बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है. यस सर. आयरन ऑक्साइड को, तो आयरन ऑक्साइड सीमेंट में क्या कर रहा है? यहाँ पे ये स्ट्रेंथ भी दे रहा है, हार्डनेस भी देता है और कलर भी देता है. क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है. और आपको पता है अर्ली कलर्स जनरली हमारे कौन से होते हैं? ग्रे, ब्लैक, वाइट और लिटिल बिट ऑफ ब्राउनिश कलर्स. तो हमेशा ही आप सीमेंट को देखेंगे कि अर्ली कलर में होता है. और चूंकि उसके अंदर में ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं है आयरन ऑक्साइड की, लेकिन 3% कंट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से उसको कलर मिलता है. नेक्स्ट, हाई अमाउंट होने से क्या होगा? हाई अमाउंट हो मैग्नीशिया का तो क्या होगा? लो अमाउंट पे हार्डनेस बढ़ती है, तो हाई अमाउंट पे हार्डनेस कम होगा. राइट, वहां पे लिखा नहीं है, मिसिंग है, नो इश्यूज. नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर की. सल्फर बहुत कम क्वांटिटी में है, 1%. तो इसका क्या रोल है? स्मॉल अमाउंट फॉर साउंड सीमेंट एंड हाई अमाउंट मेक साउंड सीमेंट अनसाउंड सीमेंट. यस, अगर सल्फर कम हो तो साउंड सीमेंट में तो ओवरऑल ठीक ठाक सीमेंट बनता है. अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो तो अनसाउंड, मतलब ठीक ठाक सीमेंट नहीं बनता है. नेक्स्ट इज अल्कलीज. अल्कलीज का जो क्वांटिटी है परसेंटेज, दैट इज जस्ट 1%. करता क्या है ये? तो ये क्या करता है? एग्रीगेट मतलब उसके अंदर जो पत्थर डाले जाते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, अल्कली रिएक्शन. एफ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, स्टेनिंग क्रिएट करता है. स्टेनिंग मतलब दाग धब्बे. एफ्लोरेसेंस जनरली आपको मैं कॉमन टर्म्स में समझा देता हूँ. जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उस पर जब हम क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग मीन्स उसको हम पानी डालते रहते हैं 7-8 दिन तक, तो वो पानी अगर हार्ड वाटर है तो उसमें होता है अल्कलीज. उस अल्कलीज की वजह से होता क्या है कि उस पर वाइट वाइट पैचेस बनते हैं. ऐसा लगता है कि सॉल्ट उस पर चिपका हुआ है वाइट कलर का. उसको कहते हैं हम लोग एफ्लोरेसेंस, जो कि ठीक चीज नहीं होती. वो होती है किसकी वजह से? अल्कलीज की वजह से. अब हम बात करेंगे ओवरऑल. इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेंथ वर्सेस टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है इन कॉम्पोजिशंस की वजह से. अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो टाइमिंग, सेटिंग टाइम, यहाँ मतलब टाइमिंग का क्या है? सेटिंग टाइम. अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो सेटिंग टाइम को कम होना चाहिए ज्यादा? कम होना चाहिए. अगर आप सेटिंग टाइम क्विक करना चाहते हो तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगी लो और सेटिंग टाइम हाई. तो हमेशा याद रखिए, जब सेटिंग टाइम अप होगा तो स्ट्रेंथ लो होगी, और जब स्ट्रेंथ लो हाई होगा तो सेटिंग टाइम लो होगा. तो इसको रिपीट करके बताएं ना कि समझ आए. जब हमने स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो सेटिंग टाइम को क्या करना होगा? कम, रिड्यूस करना होगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. सीमेंट पे जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड होता है. जब आपके माइंड में ये बात नहीं कि मुझे आंसर नहीं देना, जैसे मैं पैदा हुआ हूँ आंसर ही नहीं देना चाहता, तो मतलब मुझे हंसी आएगी, मजाक सूझेगा, सब कुछ सूझेगा. जब आंसर देने के लायक हो जाएंगे आप तो आपको नहीं सूझेगा, क्योंकि आपको जवाब देना है. और जवाब ना देने पे रोटी नहीं मिलती और कुछ नहीं मिलता. इसलिए आप लोग ध्यान दें कि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दें, ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें कि क्या बोलना है. तो सीमेंट में जब वाटर ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा. केमिकल रिएक्शन होने का क्या मतलब है? कि
केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, तरह तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, अब इसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। तो वाटर ऐड करते ही सीमेंट रिएक्ट करता है, जैसे एग्स को अगर हम किसी हीटेड एलिमेंट पे डाल देते हैं तो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड जैसा होता है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में आने लगता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। सेम चीज सीमेंट के साथ है, अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। अब बात करेंगे ये 70% 90% क्या है। तो 70% ऑफ फाइनल स्ट्रेंथ हमारा सीमेंट गेन कर लेता है कितने दिनों में? 28 days। अच्छा, 90% ऑफ फाइनल स्ट्रेंथ ये गेन कर लेता है कितने दिनों में? 1 year में, 365 days में लगभग। इसीलिए जब कास्टिंग करी जाती है सीमेंट से रिलेटेड किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो जनरली उसे 28 दिन से पहले नहीं खोलना चाहिए। अगर आप खोलते हैं इसका मतलब यह है कि वो सीमेंट अभी भी 70% अपनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं किया है, मे बी 50% किया होगा, 40% किया होगा अगर वेट बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम में उस छत का गिरना हो सकता है। कई बार ये आपने देखा होगा कि वीडियोज में एटलीस्ट कि छत को गिरते हुए देखा होगा आपने। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाया। कुछ ऐसा है कि आप छोटे से बच्चे को चाह रहे हो, 3 महीने का बच्चा बोलने लगे, 1 साल का बच्चा चलने लगे, 2 साल का बच्चा दौड़ने लगे और 3 साल का बच्चा किसी भी लैंग्वेज को फराटेदार तरीके से बोलने लगे। वही चीज लोग आजकल करते हैं। यू शुड रिमेम्बर 28 दिन देंगे तो अपने वो 70% स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है, 1 साल देंगे तो 90% को। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सीमेंट डिकेड्स तक स्ट्रेंथ गेन करती रहती है। इंसान की उम्र बढ़ते 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 वो नीचे की तरफ आता है इंसान, लेकिन सीमेंट की उम्र बढ़ते बढ़ते उसमें स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट्स, राइट। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की, QSQS, जिसके बारे में हमने अभी भी बात करी थी कि अगर क्विक सेटिंग होगी तो स्ट्रेंथ आपकी लो हो जाएगी, अगर आपकी स्लो सेटिंग होगी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया सीमेंट के बारे में, क्योंकि इस सीमेंट ने दुनिया को बदल के रख दिया है। जब सीमेंट न था तो कुछ न था, जब सीमेंट है तो सब कुछ है। तो सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ मॉडर्न टाइम, इट हैज चेंज द लैंडस्केप ऑफ द होल वर्ल्ड, इट हैज पोटेंशियल टू चेंज इवन द लैंडस्केप ऑफ अनदर प्लैनेट, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल to know about. So this was the very basic understanding of cement. As an educated designer, architect, you should be knowing the composition to prove that you know something. Else it will be done. Thank you very much.